भारतीय जनता पार्टी ने ठाकरे सरकार को इशारा दिया है कि अगर सरकार ने सोमवार तक बिजली बिल पर की घोषणा को पूरा नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से आंदोलन किया जाएगा। महाराष्ट्र में बिजली बिल मामला अब गरमाने लगा है। एक और विरोधी पक्ष लॉकडाउन के 4 महीने के बिजली बिल माफ कराने की मांग कर रही है, वहीं दूसरी ओर ठाकरे सरकार भाजपा सरकार के कार्यालय के बकाया बिल की जांच कर रही है। इसी सभी मुद्दे पर शुक्रवार को पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुए ने पत्रकार परिषद लेकर ठाकरे सरकार पर वार किया। बावनकुए ने कहा कि हमारे कार्यकाल में बकाया बिल है, मगर वो किसान और सामान्य जनता की जो बिल नहीं भर सकते, अगर ये गलती है तो हाँ हमने गलती की है। उन्होंने आगे कहा कि घोषणा इसी सरकार के मंत्री ने की है तो इसे पूरी भी सरकार को ही करनी होगी। अगर सोमवार तक सरकार ने घोषणा पूर्ण नहीं की तो सोमवार को पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिजली बिल जलाओ आंदोलन किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने मार्च के बजट अधिवेशन के समय में आर्थिक दुर्बल परिवार जो 0 से 100 यूनिट बिजली लेते हैं, बिजली का उपयोग करते हैं, ऐसे परिवारों को 5 साल के लिए बिजली मुफ्त करेंगे, ऐसी घोषणा सरकार ने की। 11 महीने में ये घोषणा का अमल बजावनी सरकार ने नहीं की। दूसरी घोषणा सरकार ने की, COVID-19 में हम लोग मार्च अप्रैल मई जून में 0 से 100 कैटेगरी और 100 से 300 कैटेगरी के जो दो ग्राहक होते हैं, एक मीडियम क्लास और एक आर्थिक दुर्बल, इन दोनों परिवारों के लिए, ग्राहकों के लिए बिजली बिल की सहूलत देने का हम प्रयास करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। COVID-19 से जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आया, कुछ नहीं हुआ। फिर दिवाली में कहा, हम दिवाली में कुछ गिफ्ट देना चाहते बिजली ग्राहकों को। दिवाली पूरी खत्म हो गई और बाद में सरकार ने घोषित किया कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये धोखाधड़ी है। 1 करोड़ ग्राहक के साथ हम वादा खिलाफी कर रहे हैं। अभी कहा कि सरकार के ऊपर 59,000 करोड़ का कर्जा है, अब हम लोग ये नहीं कर सकते। हम यहां बहुत जवाबदारी से बताना चाहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2005 से 2015, 2015 में इन कंपनी के ऊपर 16,000 करोड़ कर्जा था। भाजपा सरकार के कार्यकाल में 41,000 करोड़ हुआ। अब 16,000 से 41,000 करोड़ क्यों हुआ, इसका कारण ऐसा है, इसमें 30,000 करोड़ केवल किसानों के 5 साल बिजली के बिल हमने वसूल नहीं किए। हमने किसानों को कहा था कि बिजली बिल वसूल नहीं करेंगे, किसान अड़चन में है। 45 लाख किसानों को हमने बिजली फ्री दी, इसलिए 41,000 करोड़ हुए और आज के डेट में 59,000 है। अभी 59,000 करोड़ का कर्जा है, ठीक है, ये कर्जा और बिजली बिल माफी से कोई रिलेशन नहीं है। सरकार को 5,000 करोड़ रुपया कंपनी को देना है और कंपनी ने मुंबई के अडानी, बेस, टाटा और महावितरण चारों कंपनियों को 5,000 करोड़ अगर दे दिया तो पूरे बिल्स खराब हो सकते हैं कोविड के वजह से, कोविड के समय के। अब यह सरकार ने कोविड के समय जो बिजली का बिल भेजा है वो पिछले मार्च अप्रैल मई जून का एवरेज निकाला है। इनको यह समझता नहीं है कि इनको नोबेल पुरस्कार देना चाहिए किसी ने आके, कि पिछले मार्च अप्रैल मई जून में तो सारा खुला था, ये लॉकडाउन में थे, सारे शॉप बंद थे, पिछले साल का बिजली का एवरेज बिल इस साल कैसा दे सकते हैं, तो इनको नोबेल पुरस्कार देना चाहिए, ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये 4 महीने में जो एवरेज बिलिंग किया गया, एक लाइट जलाने वाले को 6,000 रुपये का बिल आया, एक पंखा जलाने वाले को 8,000 रुपये बिल आया,
ये बिजली बिल गलत है, ये माफ होने चाहिए, ये स्क्रैप होने चाहिए। सरकार ने घोषणा की, कुछ नहीं हुआ। अब कहते हैं हमारे पे कर्जा है, सरकार के ऊपर 5 लाख करोड़ कर्जा है महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, कितना होगा अभी नहीं मालूम, नया आंकड़ा। कर्जे से तुम्हारे बिजली बिल के माफी का क्या संबंध है? कुछ संबंध नहीं है। आज क्या माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री जी ने बैठ के 5000 करोड़ रुपए निकालना चाहिए सरकार से और एक कंपनी को देना चाहिए और सारा बिल स्क्रैप करना चाहिए, ये डिमांड है। और अगर ये डिमांड पूरी नहीं की तो आने वाले सोमवार को 23 तारीख को हम पूरे महाराष्ट्र में 11 बजे पूरे महाराष्ट्र में बिजली बिल की होली करेंगे और बिजली बिल के होली के साथ साथ हम ये भी घोषणा करते हैं कि ये गरीब जो मध्यम वर्गीय मीडियम क्लास और आर्थिक दुर्बल लोगों के जो ग्राहक है उनके घर में अगर आप गए बिजली कनेक्शन काटने तो भारतीय जनता पार्टी वहां झंडा लेके खड़ी रहेंगी, आपको बिजली का कनेक्शन नहीं काटने देगी, आपको निर्णय करना पड़ेगा। आपने घोषणा की है, कोई भाजपा का नेता आपके पास नहीं आया था, आपने लीडर, आपने वो घोषणा की है, आपने लोगों को बोला है कि हम बिजली बिल माफ करेंगे, लोग इंतजार कर रहे हैं। 1 करोड़ ग्राहक यानी 5 करोड़ जनता का संबंध आता है, 5 करोड़ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं बिजली बिल माफी का, ये छोटा प्रश्न नहीं है। लोगों को आपने बताया कि हम करेंगे और जनता के सामने हम जाएंगे और जनता को इस सरकार का झूठ बताएंगे और हमारे सारे जो 300 यूनिट तक बिजली ग्राहक है इनके बिजली के बिल माफ होने चाहिए, यही हमारी डिमांड है। हमारा आंदोलन तीव्र होगा, पूरे महाराष्ट्र में होगा।